हेलो दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मालपुआ। मालपुआ बनाने के लिए लेंगे हम 2 कटोरी मैदा, और मैदा को आधा हम लेंगे सूजी, तो 1 कटोरी हम लेंगे सूजी, और सूजी के जितना क्वांटिटी रहेगा उतना ही हम चीनी भी लेंगे। तो सभी को हम एक साथ एक बड़ी कटोरी में ले लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम लेंगे दूध, और दूध को हम थोड़ा थोड़ा रख कर मिक्स करते जाएंगे, और आप दूध के जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कटोरी से हम लेंगे 2.5 कटोरी दूध, और थोड़ा थोड़ा एकदम रख कर हम मिक्स करेंगे। तो अच्छा घोल बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ा थोड़ा दूध और मिलाते जाएंगे, बीच बीच में दूध रखेंगे और मिलाते जाएंगे। एक बार रखने से पूरे गोला गोला टाइप के हो जाता है, तो इसी वजह से हम थोड़ा थोड़ा दूध रखेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ ज़्यादा दूध रखने से घोल पतला हो जाएगा, इसी वजह से हम थोड़ा थोड़ा दूध रखेंगे और घोल को हम अच्छा बनाएंगे। तो मैदे के घोल को हम 1 से 2 घंटे तक ढक के रख देंगे। तो देख सकते हैं मेरा 1 घंटा हुआ है, तो हम अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा भी मैदा के उल्टी नहीं रहे, इसी वजह से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं कैसे हम मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें 1 कलछुल और दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो बैटर थोड़ा मोटा है, तो हम हल्का और पतला करेंगे। और अब इसमें डालेंगे काटा हुआ काजू और किशमिश, इससे टेस्ट अच्छी आती है, इसी वजह से हम काजू किशमिश रखेंगे। आपको ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट और भी रख सकते हैं इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जितना आप इस घोल को अच्छे से मिक्स करिएगा उतना ही मालपुआ टेस्टी बनती है। तो 5 मिनट और हम घोल को मिक्स कर दिए हैं, मालपुआ इससे बहुत अच्छी बनती है। तो पैन को हम गर्म कर लिए हैं, अब इसमें हम रखेंगे रिफाइंड। तो रिफाइंड मेरा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम रखेंगे मैदे को मिक्स किया हुआ घोल। तो कलछे से हमने घोल को रख दिए हैं, अब छनोटा से हम इसको चलाएंगे। तो देख सकते हैं उलट पलट किए हैं, तो मेरा मालपुआ कितना अच्छा फूल रहा है। और इसी तरह हम बीच बीच में और मैदे के घोल को हम उसमें रखेंगे, देख सकते हैं कितना मस्त फूला हुआ है। और थोड़ा लाल कर कर हम पुआ को निकाल लेंगे, सभी पुआ को हम निकाल लेंगे इसी। तो इसी तरह हम 2-4 रख कर अच्छे से छान कर हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा सा मेरा मालपुआ बनकर तैयार है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम और टेस्टी मालपुआ बनकर तैयार है, और अंदर से एकदम अच्छा पका हुआ है। तो देख सकते हैं, तो रेसिपी पसंद आए तो आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।